हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो गई और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार दरोगा बिहार सब इंस्पेक्टर परीक्षा का रिजल्ट है जो है जारी कर दिया गया है, कट ऑफ दे दिया गया है। जल्द ही पूरी लिस्ट जो है आपके आयोग की वेबसाइट पर भी जारी कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं आज के प्राय जितने भी न्यूज पेपर हैं सभी में ये जो है न्यूज आई हुई है। विशेषकर आप देख सकते हैं पटना के जितने भी प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर हैं, आप नेट से जाकर उस पर देख सकते हैं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने जो है बिहार दरोगा की परीक्षा फल जो है जारी कर दिया गया है, जो विज्ञापन संख्या 01/2019 है। मैं आपको बताऊंगा कितना कट ऑफ रहा, कितने परीक्षार्थियों का जो है रिजल्ट आया। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल की बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग परीक्षा फल वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर भी जाकर देख सकते हैं। जैसा कि 2-4 दिन पहले से ही आपको पता था कि पूरे जो था सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि बिहार दरोगा का परीक्षा का रिजल्ट जो है 48 आवर या 24 घंटे के अंदर जारी हो जाएगा, तो बात सही ही थी और बिल्कुल सही था, रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगा कितना कट ऑफ गया, कितने परीक्षार्थियों को रिजल्ट आया, कितने लड़कियों का कट ऑफ गया, उनका कितना रिजल्ट हुआ। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो चलते हैं पूरी तरह से हम इसको जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस अवर सेवा निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्राक्ष अवर निरीक्षक, परिचारी जिसको सर्जेंट हम लोग बोलते हैं, सहायक अधीक्षक कारा, सीधी भर्ती, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एवं सहायक अधीक्षक कारा, भूतपूर्व सैनिक, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के पद की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित की गई संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल। तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है कि बिहार सरकार के गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत वर्ष 2019 में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्राक्ष अवर निरीक्षक, परिचारी, सर्जेंट एवं बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय गृह विभाग के अंतर्गत सहायक अधीक्षक कारा सीधी भर्ती, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सहायक अधीक्षक कारा, भूतपूर्व सैनिक के रिक्त पदों की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 01/2019 के दिनांक 21/8/2019 को प्रकाशित किया गया था और दिनांक 22 दिसंबर 2019 रविवार को कुल कुल जो है आपका 5,85,829 अभ्यर्थियों की लिखित प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों का परीक्षा फल निम्न रूपेण यहां प्रकाशित किया जा रहा है। तो मैं अब बताता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रीलिम्स रिजल्ट 01/2019, टोटल नंबर जितने भी टोटल कैंडिडेट थे जिनका एडमिट कार्ड जारी जो किया गया था, जिसमें था आपका ये जो था फर्स्ट शिफ्ट का मैं बात कर रहा हूँ, अब देख सकते हैं 292,920 फर्स्ट शिफ्ट में जो थे 292,920 अभ्यर्थी के जो है एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। इससे पहले मैं आपको इंतजार की घड़ियां समाप्त करते हुए मैं कट ऑफ डायरेक्ट मैं बता देता हूँ ताकि आपको इंतजार की घड़ियां जो है समाप्त हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो कट ऑफ गया है ये आपका रहा फाइनल कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि फाइनल कट ऑफ जो है कितना गया है। तो जनरल जनरल वाले का जो फाइनल कट ऑफ है 132.2 मार्क गया है, 132.2 मार्क्स गया है, यानी लगभग उनके जो है 61-62 क्वेश्चन यदि सही होंगे तभी उनका रिजल्ट आया होगा। और इनका परसेंटेज जो रहा है 66.1% रहा है। और यदि जनरल का कोई फीमेल है तो उनका जो मार्क्स है 88। यदि जनरल की आप फीमेल से बिलोंग करते हैं, महिला से बिलोंग करते हैं, तो यदि आपके 44% मार्क आए हुए होंगे, यदि आपके 44% मार्क्स आए होंगे तो आपका रिजल्ट आ गया है। यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट यदि के अंतर्गत आप यदि जनरल में आते हैं, तो आपका जो कट ऑफ गया है काफी कम गया है, काफी कम गया है जनरल वालों की अपेक्षा, 117.6।
और उनका जो परसेंटेज है 58.8, यानी 58.8% यदि आपका मार्क्स होगा तो आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उसके बाद यदि आप फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 60 मार्क्स यदि आपका आया होगा, 60 ओनली 60 मार्क्स यदि आया होगा, यानी यदि आपका 30 प्रश्न भी सही है तो आपका रिजल्ट जा आ गया है। इससे मैं पहले भी आपको बताया था, जब मैं लाइव क्लास करा रहा था तो उस समय बताया था कि महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा अवसर है, केवल आप जितना जानते हैं उतना बनाइए, यदि आप 30 मार्क्स भी बना देते हैं तो आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा 30 से 40 के बीच में। उसके बाद बीसी वाले की बात करते हैं, बीसी वाले का बात करते हैं, उनका जो कट ऑफ है थोड़ा उम्मीद के अपेक्षा हाई चला गया है। आशा था कि 120 रहने की संभावना थी, लेकिन यहाँ जो कट ऑफ है 125.2। यदि आपके कट ऑफ मार्क 125.2 हैं बीसी वाले का, तभी आपका रिजल्ट आया होगा, यानी उसका उनका जो परसेंटेज है 62.6, और महिला बीसी महिला का जो मार्क्स है 72.6, और उनका परसेंटेज जो है 36.3, यानी आपका 36.3 प्रश्न जो सही होगा तभी आपका रिजल्ट आया होगा। उसके बाद करते हैं ईबीसी वाले का, तो ईबीसी का जो कट ऑफ गया है आप देख सकते हैं 118.6 गया है, और उनका परसेंटेज जो है 59.3, और ईबीसी की जो महिला है फीमेल है उनका जो मार्क्स है यदि 60% है तो उनका रिजल्ट आ गया है, यानी इनका 30% कट ऑफ गया है 30%। उसके बाद एससी की बात करते हैं, जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जो कट ऑफ मार्क रहा है 103.8, और उनका जो परसेंटेज है 51.9, इनका भी जो है उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा ही रहा। पहले आशा व्यक्त किया गया था कि इनका जो कट ऑफ रहना चाहिए वो 45 के अंतर्गत आना चाहिए, और फीमेल जो है एससी जो फीमेल है इनका जो कट ऑफ रहा आपका 60 रहा, 60 मार्क्स यानी 30%। यदि आप 30 प्रश्न आपका सही होगा तो रिजल्ट आ गया। जितने भी फीमेल से बिलोंग करती हैं लोग, लगभग उनका रिजल्ट आ ही गया है, यदि उनका 30-40 प्रश्न भी सही है तो रिजल्ट सभी का आ गया। उसके बाद एसटी वाले की बात करते हैं, एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है मेल का 116.6 गया है, और उसको परसेंटेज में करें तो 58.3, और फीमेल वाले का जो गया है इनका 67 गया है, और उनका जो परसेंटेज रहा 33.5। अब जब बीसी ओमेन का जो यहाँ है, बीसी ओमेन का जो कट ऑफ गया है वो जो है आपका 64.2, यानी ओनली 32 प्रश्न भी आपका सही है तो आपका रिजल्ट आ गया है, 32.1 में भी आपका आया है तो रिजल्ट आ गया है। उसके बाद एफएफडब्ल्यू की बात करते हैं, तो इनका जो मेल का कट ऑफ है 60 है, और उसके यानी ये स्वतंत्रता सेनानी वाले लोग हैं, और उसके बाद जो ये परसेंटेज इनका 30 रहा, और फीमेल का जो है 60 रहा और परसेंटेज 30 रहा, तो रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया गया है। जल्द ही आयोग के वेबसाइट पर पूरी लिस्ट आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में चयनित 50,072 अभ्यर्थी, टोटल जो रिजल्ट आया है आपका 50,072 परीक्षार्थियों का रिजल्ट जो है पीटी में घोषित कर दिया गया है। अब इन 50,072 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा, और मुख्य परीक्षा के बाद जो होगा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी जो भी आपकी शारीरिक योग्यता मापदंड है उसके अनुसार जो है आपको पीटी में शामिल होना पड़ेगा, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, तब आपकी मेडिकल होगी, उसके बाद आपकी नियुक्ति होगी। तो 50,072 अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। विस्तृत परीक्षा फल आयोग की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है, विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार पटना। तो ये आज आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, यदि आपका रिजल्ट आया है तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट भी आया होगा, और यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट जो मुख्य परीक्षा से संबंधित होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।